आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश, आज REW के प्लेटफॉर्म पर मैं मौजूद हूँ समर स्मैश के नाम से. यहाँ पे एक रिंग सजा हुआ है रेसलिंग का, और यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में जो है जिस तरह रेसलिंग देखने का रुझान है मगर फाइट करने का रुझान नहीं है, ऐसा जो है रिंग सजाने का रुझान नहीं है. मगर इस वक्त जो है मॉल में जो है कहते हैं कसीर तादाद में यहाँ पे ऑडियंस है वो बहुत लुत्फानंदोज हो रही है. मैंने ऑडियंस से भी बात की है, वो भी आपको सुनवाएंगे. और यहाँ पे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है रेसलर ने उनकी भी मैं आपको गुफ्तगू सुनवाऊंगा, उनके तासुरात आपको सुनवाऊंगा. नजर पॉइंट लेकर आया है और फिर वो आज मैच भी करे. आप लोग चाहते हैं ऐसा हो? यो सो शेर खान, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ आए. एक टाइम ऐसा था 5 years बिफोर की बात है जब रिंग ऑफ स्लैम के नाम से एक पहला इवेंट हुआ था और मैं इसी रिंग के ऑडियंस में खड़ा होकर इनका मैच देख रहा था. और मुझे रेसलिंग से बचपन से शौक था और फिर जाके मैंने इस चीज को सीखा और इसमें इंटरेस्ट लिया. और आज जो कि मैं सिर्फ एक रेसलर ही नहीं बल्कि मैं साउथ का फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और साउथ का फर्स्ट एशियन चैंपियन भी हूं. Oh my God! Power bomb! मारेंगे मेरे को लगता है power bomb. Oh my God! No! Power bomb मार दिया तुमने. No!
फिनिशर के लिए पावर बम मारेंगे मेरे को लगता है पावर बम ओ माय गॉड इस कचरे को कोई बाहर उठा के फेंक दिया बहुत हो गया अरे कचरा ऊपर आता वो नीचे क्यों चला गया समझ में नहीं आता और देखो खत्म करो वेल गाइस सबसे पहली बात ये बताऊं कि लाहौर कंपटीशन इज ओवर नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर खान है और मैं पाकिस्तान का शेर हूँ और मैं रिसेंटली नेपाल से एशियन चैम्पियनशिप जीत कर आया और आज एट्रियम मुल्क कराची में जो कि एक ज़बरदस्त रेसलिंग इवेंट जिसका नाम समर स्मैश ये प्रेजेंटेशन रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW एंड वीनस TV HD की प्रेजेंटेशन है जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस इवेंट को और मेरे इस इवेंट के अंदर एक इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट के अंदर मेरा एक मैच है और जिसमें पूरी तरह से नेशनल रेसलर्स को बीट करने के लिए तैयार हूँ और इसको बीट करने के बाद 24-25 तारीख को जो कि नेपाल में इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट के नाम से इवेंट हो रहा है जिसमें जहाँ से उस रेसलर को बीट करके इंटरनेशनली परफॉर्म करूँगा और पाकिस्तान का परचम यहाँ भी और इंटरनेशनली भी रेस करूँ बिकॉज लिव लाइक अ रोल ऑफ द शेर खान बिकॉज इट्स टाइम टू थैंक यू नज़र पॉइंट का जिन्होंने आज एट्रियम मॉल को लाइव रेसलिंग इवेंट समर स्मैश को कवरेज किया और मेरी बेस्ट विशेज़ आपकी चैनल के साथ है, आपकी पूरी टीम के साथ है, पूरी पाकिस्तान के साथ है। ये चैम्पियन सिर्फ मेरा चैम्पियन नहीं है, ये आप सब इस चैम्पियन के हकदार हैं क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी चैम्पियन एक चैम्पियन नहीं होता, वो एक फैमिली होती है और आई एम ऑलवेज़ विद चैम्पियन और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से ही दुआ है कि इस डेस्टिनेशन पे कंटिन्यू जिसका नाम सक्सेस है और इंशाल्लाह ताला उसको मैं ज़रूर अपने मुल्क का परचम रेस करूँगा। थैंक यू वेरी मच नज़र पॉइंट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अली खान द एक्स मैक्सी ऑफ रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW वेलकम। और जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कैसा भरपूर इवेंट हो रहा है और सारे पाकिस्तान के नामी ग्रामी रेसलर जो हैं REW में आ चुके हैं जो कि एट्रियम मॉल में अभी ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और ये इवेंट हम आज पहली दफ़ा नहीं करा रहे हैं। एट्रियम मॉल में हम इससे पहले भी इवेंट करा चुके हैं लेकिन अब मीडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और पब्लिक का बहुत प्यार है, सपोर्ट है, तो अब हमें मैचेस में बहुत मज़ा आता है, हमारे रेसलर्स को करने मज़ा आता है और हमें सपोर्ट भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एट्रियम मॉल ने सपोर्ट किए, हमें कुछ चैनल्स हैं उन्होंने सपोर्ट किए और कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं और रेसलिंग की इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रोइंग की तरफ है। तो बीइंग अ CEO मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में अपनी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ ताकि इस ऐसा स्पोर्ट है इसमें आपको हार जीत के अलावा इसमें आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, इसमें आपको आप एक एक्टर की तरह भी परफॉर्म कर रहे होते हैं बिकॉज इट्स आर्ट। अब ये ऐसा आर्ट है कि जिसमें आपने एक अगले के साथ किस तरह बिहेवियर के साथ अपना जो है एक परफॉर्मर बनाना है इसके अंदर आपको वो सिखाया जाता है। फिर अब जब आप लोगों में परफॉर्म करते हैं तो फिर आप एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल रेसलर बन जाते हैं। स्पेशल थैंक्स टू नज़र पॉइंट जिन्होंने हमारा जो इवेंट कवर किया और स्पेशल थैंक्स टू यू एंड योर टीम जिन्होंने आज आके हमें कवरेज दी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते दीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।